आचार्य जी राम के बिना कहीं न्याय हो सकता है? राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, राम के बिना न्याय कहाँ? आपका माइक ऑन है, आप बोलें तो सही। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन है जिससे आप इस जनता को कन्विंस कर दें कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो सही है, तो आपका माइक चलेगा। देखिए नाविका जी, भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलना सौभाग्य का विषय है, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मैं आजीवन जिंदगी की आखिरी सांस तक आभारी रहूंगा कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, निमंत्रण किया। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, भगवान श्री राम के नाम की महिमा देखिए। हर्षवर्धन जी ने जो कहा, रंगनाथन जी ने जो कहा, ईश्वर जी ने जो कहा, आप जो कह रही हैं, राम के नाम की महिमा देखिए। भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आना सौभाग्य की बात है, मैं ये बात कह रहा हूं, और जो इस निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं वो दुर्भाग्य का विषय है, ये भी मैं कह रहा हूं। अब राम के नाम की महिमा देखिएगा, राम का निमंत्रण जिन्होंने ठुकराया उनके नाम में भी राम है, ये कितनी बड़ी बात है। सीताराम, जय जय सीताराम, उनके नाम में भी राम है। मैं राम जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे बेतालों के पापों की सजा हमें ना दे और इन्हें सद्बुद्धि दे। देश के लोकतंत्र के लिए एक विपक्ष की आवश्यकता होती है। मैं तमाम विपक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, राम से मत लड़ो। आप बीजेपी से लड़ सकते हो, सनातन से नहीं लड़ सकते। आप बीजेपी से लड़ सकते हो, भारत से नहीं लड़ सकते। और राम भारत की आत्मा है, राम को परास्त नहीं किया जा सकता। जितनी जल्दी हो अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए राम के प्रति शरणागत होकर के अयोध्या आ जाओ। बहुत बहुत बढ़िया बात कही आपने आचार्य जी। और साई दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या विपक्ष बीजेपी से लड़ते लड़ते राम और सनातन से भिड़ गया है? एक्चुअली पोजीशन जो है वो उल्टा है। विपक्ष हमेशा से सनातन से घृणा करता रहा है, क्योंकि भाजपा हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करती है, उनको भाजपा से तकलीफ है। अगर आप भारत की हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखेंगे, ये ऐसा एक अनोखा हिस्ट्री है जहां पे इंडिपेंडेंट भारत की जो सबसे पहली सरकार थी, उसकी जो रिलेशनशिप है भारत की संस्कृति के साथ, वो विरोधाभास की रिलेशनशिप है। तो उनको बीजेपी से तकलीफ नहीं है, उनको भारत की संस्कृति से तकलीफ है। और जो भी उसके पक्ष में खड़ा होता है उनको उससे घृणा होता है। ये मोदी जी थे या कोई और रहे, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी इस कार्य को संपन्न करता उनको उससे तकलीफ होती। तो मेरा ये मानना है विपक्ष की जो लड़ाई है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, वो भारत की आत्मा के साथ है। और जो भी आतताई भारत की आत्मा के साथ लड़ने की कोशिश करता आ रहा है वो हमेशा से हारा है। जब तक ये अपने आप को भारतीय नहीं मानते, जब तक ये अपने आप को इस संस्कृति के पैदावार नहीं मानते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कोई और हो, इनको हार का सामना करते रहना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये बीजेपी और मोदी जी के बारे में नहीं है, ये राम के बारे में है। आनंद रंगनाथन जी, अगर विपक्ष भारतीयता के खिलाफ खड़ा हुआ है तो फिर इतने सालों तक राज कैसे किया, इतने सालों तक सरकारें कैसे चलाई, इतने राज्यों में सरकारें कैसे चल रही हैं, ये इसको आप कैसे समझाएंगे? पहले तो नाविका जी, मैं जो आचार्य जी ने बात कही, मैं बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, एकदम दिल से बात कही। और शायद ये पहले ऐसे नेता होंगे जो कि बिना सीबीआई और ईडी के डर से बीजेपी ज्वाइन करें।
पर नाविका जी, आपने जो बात कही विपक्ष का, मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से कांग्रेस ने देश का मूड और देश का सेंटिमेंट नहीं समझा। ऐसी बात नहीं है कि सारे विपक्ष ने नहीं समझा। जिनको मैं छोटा मोदी कहता हूं, केजरीवाल, वो हर जगह नुक्कड़ पे आरतियां करवा रहे हैं, शोभा यात्रा निकलवा रहे हैं, सारे पाठ करवा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। भले ही बीजेपी इसका कोट अनकोट फायदा उठा रही है, लेकिन कांग्रेस को किसने रोका था कि निमंत्रण पत्र दे घर घर जाके? कांग्रेस को किसने रोका कि एक एक घर जाए चावल दे? कांग्रेस को बीजेपी से ये छीन लेना चाहिए था मुद्दा, क्योंकि ये उनका भी उतना ही हक था। और बीजेपी बैकफुट पे हो जाती। बीजेपी को समझ में नहीं आता कि हम करें क्या। कांग्रेस कहती है, राहुल कहता है, हमारे भी राम है, हमें भी उतना ही हक है जितना आपको। लेकिन कांग्रेस ये नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस, जैसे साई ने कहा, वो मोदी से नफरत नहीं करती, वो हिंदुओं की आस्था से नफरत करती है। आस्था, जनता का क्या सवाल है? चलिए, जनता से आवाजें आ रही हैं, जनता का क्या सवाल है? मैं आइए, आप, आपका क्या सवाल है? नाविका, मैं आचार्य प्रमोद कृष्ण जी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि जैसे राक्षसों में भी एक गुरु शुक्राचार्य थे, सभी संत तो कांग्रेस बीजेपी की तरफ है, लेकिन जैसे कांग्रेस में एक ही संत बचे थे, लगता है कांग्रेस ने इस विरोध में उन इतने बड़े महात्मा को भी त्याग कर दिया है। आचार्य जी, लोग आपकी हिम्मत की दाद दे रहे हैं, और किसका सवाल है, आपका क्या सवाल? मैं गुजरात भरूच डिस्ट्रिक्ट से अंकलेश्वर से आया हूँ, गुजरात से। मेरा सवाल है कि हमारे जो भगवान आराध्य देव रामचंद्र जी, उनकी किताब में जो 70 साल से कांग्रेस सरकार ने वो पुस्तक में हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी को, वो उसके पठन में नहीं आया, हमें वो चाहिए पठन में। मुझे आपकी बात से आपत्ति है कि नेहरू जी गए कब्र पे, मजार पे, गांधी जी गए, इंदिरा जी गए, राहुल जी गए, वो अपने पूर्वजों के आने जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? राम उनके पूर्वज ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे वो? हम सनातनी हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो वो आते हैं यहाँ पर। वो अपने पूर्वजों की कब्र पर गए हैं, तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन साई दीपक जी, आपने लोगों को पूछा जो